Good morning, dear students. How are you? We are doing our fourth lesson, India's External Affairs, from our Political Science second book, Politics in Independent India. So let us now begin from this point today. Afro-Asian unity. Yet given its size, location and power potential, Nehru envisaged a major role for India in world affairs and especially in Asian affairs. His era was marked by the establishment of contacts between India and other newly independent states in Asia and Africa. Throughout the 1940s and 1950s, Nehru had been an ardent advocate of Asian unity. Yet given its size, यहाँ तक जहाँ पर बात है भारत के आकार की, ये भारत बहुत बड़ा है. Location and power potential, इसकी स्थिति और जो शक्ति की जो संभावना है. नेहरू जी envisaged a major role for India in world affairs and especially in Asian affairs. तो भारत के जो उस समय प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, तो उन्होंने भारत के आकार को देखकर, इसकी लोकेशन को देखकर और इसकी शक्तियों को देखकर कि शक्ति की कितनी संभावना भारत में है, तो नेहरू जी ने विश्व के मामलों में, खासकर एशिया के मामलों में, भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. His era was marked by the establishment of contacts between India and other newly independent state in Asia and Africa. His era was marked. नेहरू जी का जो दौर था वो भारत ने एशिया और अफ्रीका के देशों में, कॉन्टिनेंट में, एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो नए स्वतंत्र देश थे उनके साथ संपर्क बनाया, बहुत ज़्यादा उनके नज़दीक आए और उनको अपने नज़दीक के नई जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, नए नए देश जो उभर कर अभी अपने उपनिवेश से, अंग्रेजी उपनिवेश से जिन्होंने छुटकारा पाया था. थ्रूआउट द 1940s एंड 1950s, 1940 से लेकर 1950 के दशक में नेहरू हैड बीन इन अरेडेंट एडवोकेट ऑफ एशियन यूनिटी. नेहरू जी एशिया एकता के एडवोकेट रहे कि एशिया जो द्वीप है इसमें बहुत सारे देश हैं, उनकी एकता के लिए इन्होंने बड़ा प्रयास किए. अंडर हिज लीडरशिप इंडिया कवर्ड द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1947. उसके नेतृत्व में भारत ने एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हुई है जो मार्च 1947 में, तो उसकी अगुवाई में भारत ने 1947 के मार्च में एशियाई संबंध सम्मेलन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एशियाई संबंध सम्मेलन, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस है, उसका आयोजन कर डाला. फाइव मंथ्स अहेड ऑफ अटेनिंग इट्स इंडिपेंडेंस, फाइव मंथ्स अहेड ऑफ अटेनिंग, स्वतंत्रता से 5 महीने पहले ही इन्होंने एशिया के देशों को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए एक आयोजन है वहाँ पे कर दिया. इंडिया मेड अर्नेस्ट एफर्ट्स फॉर द अर्ली रिलाइजेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम द डच कॉलोनियल रेजिमेंट बाई कन्वेनिंग इन इंटरनेशनल बाई कन्वेनिंग एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1949 टू सपोर्ट इट्स फ्रीडम स्ट्रगल. इंडिया मेड अर्नेस्ट एफर्ट, भारत ने बहुत ही अच्छे उत्सुक होकर प्रयास किए कि किस प्रकार से वो इंडोनेशिया को डच की दास्तानों से, डच देश हैं, हॉलैंड के देश के वासी थे डच, वो किस प्रकार हॉलैंड देश से इंडोनेशिया को मुक्त करवा सकता है, उसके लिए उनकी कॉलोनी से कैसे वो उसको मुक्त करा सकते हैं, बड़ा प्रयास किया. बाई कन्वर्टिंग इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1949 टू सपोर्ट इट्स फ्रीडम स्ट्रगल, और उन्होंने 1949 में इस देश की स्वतंत्रता संग्राम की अप्रोप्रिएटनेस को, उसकी उचितपन को, उसे सहीपन को, या उसके औचित्य को ठहराने के लिए एक आयोजन किया कॉन्फ्रेंस की. इंडिया वाज ए स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ
decolonization process and firmly opposed racism, especially apartheid in South Africa. भारत हमेशा से ही डिकोलोनाइजेशन अनुपनिवेशवाद का सपोर्टर रहा है, यानी कि वो नहीं चाहता कि कोई भी देश किसी दूसरे देश का गुलाम हो, उसका उपनिवेश हो। इस प्रक्रिया के विरुद्ध वो हमेशा ही एक सपोर्टर के रूप में खड़े रहे हैं इंडिया से, एंड फ्रेमली अपोज्ड रेसिज्म, और उन्होंने जातिवाद को, नस्लवाद का बिल्कुल विरोध किया है, एस्पेशली अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, और ख़ासकर जो दक्षिण अफ्रीका में नक्सलवाद था, नस्लवाद था, उसका उन्होंने विरोध किया, रंग भेद की नीति का उन्होंने विरोध किया, और हमेशा से वो उन देशों के साथ खड़े रहे स्वतंत्रता प्राप्त करने में, दूसरे विरोध उपनिवेशवाद के वो विरोध थे। द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडोनेशिया सिटी ऑफ बेंगन इन 1955, कॉमनली नोन एज द बेंडंग कॉन्फ्रेंस। एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पे अफ्रीका और एशिया के देशों की एक सभा हुई इंडोनेशिया में, और वो इंडोनेशिया की बेंडंग जगह पे 1955 में उन्होंने ये सभा की, जिसको बेंडंग कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। मार्कड द जीनिथ ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट विद द न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। तो आमतौर पर हम इन बाडुंग सम्मेलन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अफ्रीका और एशिया के जो नव स्वतंत्र देश थे, उन देशों के साथ भारत के बढ़ते हुए संपर्क यहाँ पर चरम बिंदु में था। तो यहाँ पे बाडुंग में जो सम्मेलन हुआ, गुट निरपेक्ष आंदोलन की यहीं पे उन्होंने नींव पड़ी थी। द फर्स्ट समिट ऑफ NAM वॉज हेल्ड इन द बंगेन इन सितंबर 1964। नेहरू वाज ए को फाउंडर ऑफ द NAM, और इसमें नेहरू जी गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी भूमिका यहाँ पे रही थी। तो क्या आप पा रहे बच्चों, जो 1950 के दशक से ही नेहरू ने एशिया की एकता के लिए कार्य करना शुरू कर दिया था, और ये बात उन्होंने आज़ादी से पहले ही जो नए संतत राष्ट्र थे उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, और वो हमेशा से उपनिवेशिक शासन के विरुद्ध थे, और इस अपने आइडियोलॉजी के चलते उन्होंने इंडोनेशिया को डच यानी कि हॉलैंड देश से आज़ाद करवाया था। उन्होंने उस संघर्ष को साथ दिया था उनमें, और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद की नीति थी उसका भी उन्होंने विरोध किया, नक्सलवाद का उन्होंने विरोध किया था। इंडोनेशिया का एक शहर है बांडुंग, इसमें उन्होंने एक सम्मेलन किया था जिसको एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहते हैं। 1955 में ये सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन के दौरान, तो आमतौर पर हम इस सम्मेलन को बांडुंग सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अफ्रीका और एशिया के जो जितने भी नए नए देश थे, आज़ाद हुए थे, वो भारत के बढ़ते संपर्क में थे, और उन्होंने उनका ये संपर्क चरम बिंदु पे था। बाडुंग सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। गुट निरपेक्षता आंदोलन में पहला जो सम्मेलन 1961 में सितंबर में बेलग्रेड में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण, जो वो को फाउंडर रहे थे, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पीस एंड कन्फ्लिक्ट विद चाइना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब की बार ये क्वेश्चन आपका 100% से भी ज़्यादा संभावना है आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। चीन के साथ शांति और किस प्रकार संघर्ष का दौर चला भारत का, इसमें हम पढ़ेंगे। अनलाइक इट्स रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, फ्री इंडिया बिगेन इट्स रिलेशनशिप विद चाइना ऑन ए वेरी फ्रेंडली नोट आफ्टर द चाइनीज रिवोल्यूशन इन 1949। इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकोगनाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। नेहरू फेल्ट स्ट्रांगली फॉर द नेबर दैट वॉज कमिंग आउट ऑफ द शैडो ऑफ वेस्टर्न डोमिनेशन एंड हेल्प द न्यू गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल फोरम। सम ऑफ हिज कोलिग्स लाइक वल्लभ भाई पटेल वर वरीड अबाउट ए पॉसिबल चाइनीज एग्रेशन इन फ्यूचर, बट नेहरू जी थॉट
इट वॉज एक्सीडिंगली अनलाइकली दैट इंडिया विल फेस एन अटैक फ्रॉम चाइना. फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम द चाइनाज बॉर्डर वॉज गार्डेड बाई पैरामिलिट्री फोर्सेज नॉट द आर्मी. तो हमारे जो पाकिस्तान से संबंध है वो शुरू से ही काफ़ी खटास में रहे हैं, लेकिन हमारे ऐसे संबंध चाइना के साथ नहीं थे. भारत के पाकिस्तान के विपरीत जो आज़ाद भारत के चीन के साथ अपने रिश्ते थे उनकी जो शुरुआत है बड़े ही दोस्ताना ढंग से, वेरी फ्रेंडली नॉट, बड़े दोस्ताना ढंग से हुई थी चाइना के साथ. चाइना का जो एक आंदोलन हुआ, क्रांति हुई थी 1949 में, चाइना में क्रांति हुई. इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, और वहाँ पे भारत ने पहला राष्ट्र था जो चाइना के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसके फेवर में जो भारत खड़ा हुआ था कि चाइना में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसमें चाइना का भारत ने काफ़ी साथ दिया था. नेहरू फेल्ट स्ट्रॉन्गली फॉर द नेबर दैट वॉज कमिंग आउट ऑफ द साइड ऑफ वेस्टर्न डोमिनेशन एंड हेल्प द न्यू गवर्नमेंट. नेहरू ने अपने दोस्त के लिए काफ़ी अच्छा महसूस किया और जो वहाँ पे वेस्टर्न डोमिनेशन था उसके वो विरुद्ध थे, और उन्होंने इस संबंध में जो चाइना का काफ़ी सपोर्ट किया था. इस क्रांति के बाद से ही भारत चीन के साथ लगा रहा था. 1949 की जो क्रांति हुई थी चीन की, वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने के लिए वो सबसे पहले सभी देशों में आगे था. यहाँ पे पश्चिमी देशों का काफ़ी प्रभुत्व रहा था, और इससे निकलकर इस देश को नेहरू जी ने बड़ा इसको अच्छा माना था अपने लिए, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीना की इंटरनेशनल फोरम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की गवर्नमेंट की काफ़ी मदद की. सम ऑफ हिज कॉलिग्स, उसके नेहरू जी के कई कॉलिग्स थे, साथी थे, वल्लभ भाई पटेल थे इसमें, वर वरीड अबाउट द पॉसिबल चाइनीज एग्रेशन इन फ्यूचर. उनको लग रहा था कि आज हम चाइना की मदद कर रहे हैं किंतु आने वाले समय में ये चाइना हमारे लिए बड़ी मुसीबत बनेगा और ये भारत पर आक्रमण करेगा, ये पहले अंदेशा था हमको. बट नेहरू थॉट इट वॉज एक्सीडेंटली अनलाइक, लेकिन नेहरू ने सोचा कि ये ऐसी संभावना नहीं है, बिल्कुल भी कोई ऐसी संभावना नहीं है कि इंडिया को भारत की तरफ से किसी कि चाइना इंडिया को चाइना की तरफ से कोई आक्रमण का सामना करना पड़ सकता है. फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम द चाइनीज बॉर्डर वॉज गार्डेड बाय पैरामिलिट्री फोर्सेज नॉट द आर्मी, और इसी कारण से जो चाइना हिंदुस्तान का बॉर्डर है वो पैरामिलिट्री फोर्सेज के हवाले कर दिया गया, अर्ध जो सैनिक बल थे वहाँ पे कोई मिलिट्री डिप्यूट नहीं की गई क्योंकि अच्छे संबंध थे शुरू से ही चाइना के साथ. लेकिन अंदेशा ये शुरू से ही था, ये सोया हुआ राक्षस है, इसका किसी को नहीं पता था तब. द जॉइंट इनिशिएशन ऑफ पंचशील द फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड द चाइनीज प्रीमियर जाओ एनॉली ऑन 29 अप्रैल 1954 वॉज ए स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रोंगर रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज. यहाँ पे शांतिपूर्ण अपने रिश्तों को कायम करने के लिए अपना अस्तित्व है, अपना जीवन है, वो सह अस्तित्व है, वो आगे बढ़ाए, उसके लिए यहाँ पे पांच सिद्धांतों को, यानी जिसको पंचशील के सिद्धांत बोलते हैं, उसकी घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने और चीन के जो वहाँ पे प्रमुख थे चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 में ये घोषणा उन्होंने कर दी. दोनों देश के बीच में काफ़ी अच्छा संबंध था, दोनों मजबूत राष्ट्र थे. इंडियन एंड चाइनीज लीडर्स विजिटेड ईच अदर कंट्री एंड वर ग्रेटेड बाई लार्ज एंड फ्रेंडली क्राउड्स. भारत और चीन के नेता एक दूसरे के देश का दौरा करते थे और उनके स्वागत में बड़ी भीड़ वहाँ पे जुटती थी. तो यहाँ पे बड़ा अच्छा माहौल था. यहाँ द चाइनीज इन्वेंशन, फिर चीन का आक्रमण हुआ. टू डेवलपमेंट्स स्ट्रेंड दिस रिलेशनशिप. चीन के साथ जो इस दोस्ताना रिश्ते की शुरुआत हुई इसमें दो कारणों से खटास आई थी और चीन ने आक्रमण किया था.
1962 में इन्वेजन किया, इन्वेजन टू डेवलपमेंट्स स्ट्रेंड दिस रिलेशनशिप। दो विकास की नीति थी, इसकी वजह से यहाँ पे इस रिलेशनशिप में खिंचाव पड़ा, बल पड़ा। चाइना अनेक्स तिब्बत इन 1950। चाइना ने 1950 में तिब्बत को अपने देश में मिला लिया, उस पर कब्जा कर लिया, एंड दस रिमूव्ड ए हिस्टोरिकल बफर बिटवीन द टू कंट्रीज। और इस तरीके से जो भारत और चीन के बीच में एक ऐतिहासिक रूप में जो एक मध्यवर्ती राज्य बनता हुआ चला आ रहा था, अब वो राज्य तिब्बत है, वो ख़त्म हो गया। इनिशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट अपोज दिस ओपनली, भारत की सरकार ने इसको खुले रूप से अपोज नहीं किया, इसका विरोध नहीं किया शुरू में। बट एज मोर इन्फॉर्मेशन केम इन अबाउट द सप्रेशन ऑफ तिब्बत कल्चर द इंडियन गवर्नमेंट ग्रो अनइजी। लेकिन जैसे ही भारत सरकार को पता लगा कि चाइना है जो तिब्बत के लोगों की संस्कृति को उनको समाप्त कर रहा है, उनको नष्ट कर रहा है, तो बेचैन हो उठी भारतीय सरकार। द तिब्बत स्पिरिचुअल लीडर द दलाई लामा सॉट एंड ऑब्टेन्ड पॉलिटिकल एज़लम इन इंडिया इन 1959। और जो दलाई लामा थे, जो तिब्बत के धार्मिक गुरु थे, उन्होंने भारत में आके राजनीतिक शरण ले ली 1959 में। चाइना एलेज दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज अलाउइंग एंटी चाइना एक्टिविटीज़ टू टेक प्लेस फ्रॉम विद इन चाइना। और वहाँ पे चाइना ने भारत पर दोषारोपण किया कि भारत है जो एंटी चाइना एक्टिविटीज़ में भाग ले रहा है, अंदरूनी तौर पे वो भारत है जो चाइना के नुकसान कर रहा है, उसके मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, तो उसके चाइना के विरुद्ध है भारत। इन्होंने ऐसा दोष लगा दिया भारत पर। ए लिटल अर्लियर ए बाउंड्री डिस्प्यूट हैड सरफेस्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया क्लेम्ड दैट द बाउंड्री वॉज ए मैटर सेटल्ड इन कॉलोनियल टाइम, बट आई सेड दैट एनी कॉलोनियल डिसीजंस डिड नॉट अप्लाई। द मेन डिस्प्यूट वॉज अबाउट द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एंड ऑफ द लॉन्गर बॉर्डर। चाइना क्लेम्ड टू एरियाज विद इन द इंडियन टेरिटरी। थोड़े समय बाद क्या हुआ कि ए लिटिल लेटर बाउंड्री डिस्प्यूट हैड सरफेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। थोड़े समय बाद में चीन और भारत के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट हो गया, और वो बाउंड्री डिस्प्यूट हुआ भारत का दावा था कि चीन के साथ जो सीमा रेखा का मामला है वो अंग्रेजी काल में ही सोल्व हो गया था, सुलझाया जा चुका था। लेकिन चीन की सरकार का कहना था कि अंग्रेजी शासन के समय का फैसला नहीं मानना जाएगा। चाइना क्लेम्ड टू एरियाज विद इन द इंडियन टेरिटरी। और मुख्य विवाद चीन में लंबी सीमा रेखा के पश्चिमी और पूर्वी छोर के बारे में था। चीन ने भारत के जो अक्षेत्र थे, अक्साई चीन, इरा इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड मच ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन व्हाट वाज देन कॉल्ड नेफा, तो चाइना यहाँ पे क्लेम कर रहा था कि भारत अक्षेत्र में पड़ने वाले जो दो इलाके हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये हिस्से अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर उसका अधिकार है, उसने अपना हक जताया। अरुणाचल प्रदेश को उस समय नेफा या उत्तर पूर्वांत सीमा के लगता हुआ राज्य माना जाता था, नॉर्दर्न ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। बिटवीन 1957 टू 1959 द चाइनीज ऑक्यूपाइड द अक्साई चीन एरिया एंड बल्ट ए स्ट्रेटजिक रोड देयर डिस्पाइट ए वेरी लॉन्ग कॉरस्पोंडेंस एंड डिस्कशन अमोंग द टॉप लीडर्स दीज डिफरेंसेज कुड नॉट बी रिजॉल्व्ड। सेवरल स्मॉल बॉर्डर स्कीमिज बिटवीन द आर्मीज एंड द टू कंट्रीज टुक प्लेस। तो यहाँ पे विवाद हो गया बहुत ही गहरा। तो 1957 से 1959 के बीच
चीन ने अक्साई चीन के इलाके पे कब्जा कर लिया और इस इलाके में उसने अपने रणनीतिक बढ़त भी हासिल कर ली। और इस वजह से उन्होंने, जैसे भारत अभी कर रहा है गलवान घाटी में, उन्होंने चाइना ने क्या किया कि वहाँ पे एक सड़क बना ली, दोनों देशों के जो बड़े बड़े नेता थे उनके बीच में बातें चली, बातों का लंबा लंबा दौर चलाए, बातचीत चली, लेकिन इसके बावजूद भी जो डिस्प्यूट था, मतभेद था, वो सुलझाया नहीं जा सका और दोनों देशों की सेना है वो सीमा पे उनमें कई बार झड़प होने लगी। डू यू रिमेंबर द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, द चैप्टर वन ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये क्यूबा मिसाइल के ऊपर एक चैप्टर है, वहाँ पे दिया गया है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक में। उस विवाद के बारे में क्या आपको कुछ पता है, वो विवाद क्या था? While the entire world attention was on the crisis involving the two superpowers, इसमें दो सुपर पावर्स थी और पूरे विश्व का इनके ऊपर ध्यान था और ये दोनों काफ़ी एक दूसरे के आमने सामने थी। चाइना लॉन्च्ड अ स्विफ्ट, पूरी दुनिया ध्यान वहाँ पे था उस घटना पे, क्यूबा मिसाइल संकट की ओर, और इसी दौरान चाइना ने पूरा फायदा उठाया। चाइना लॉन्च्ड अ स्विफ्ट एंड मैसिव इन्वेंशन इन अक्टूबर 1962, 1962 अक्टूबर महीने में उन्होंने बहुत ही गहरा आक्रमण कर दिया, बहुत बड़ा, भारत के ऊपर, बहुत सारे डिस्प्यूटेड रीजन दोनों ही क्षेत्रों में, अरुणाचल प्रदेश में भी और जम्मू कश्मीर में भी, अक्साई चीन तभी उनके हिस्से में गया था। द फर्स्ट अटैक लास्टेड वन वीक, पहला जो उन्होंने अटैक किया वो एक हफ्ते चला और चाइनीज फोर्सेज कैप्चर्ड सम की एरियाज इन अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण जगह थी उन पर कब्जा कर लिया। द सेकेंड वेव ऑफ अटैक केम नेक्स्ट मंथ, कुछ जो अटैक उन्होंने फिर अगले महीने किया, बड़ा भारी आक्रमण किया भारत के ऊपर। वाइल द इंडियन फोर्सेज कुड ब्लॉक द चाइनीज एडवांसेस ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इन लद्दाख, जब लद्दाख के अंदर वेस्टर्न फ्रंट पर भारत उनका सामना कर रहा था, इन द ईस्ट चाइनीज मैनेज टू एडवांस नियरली टू एंट्री पॉइंट ऑफ आसाम प्लेन्स, तो यहाँ पे आसाम में चाइना की सेनाएं मैदानी इलाकों तक पहुंच गई थी। फाइनली चाइना डिक्लेयर्ड एन अनलिमिटेड सीज फायर एंड इट्स टू वेयर दे वर बिफोर द इन्वेंशन बिगिन, इसी दौरान जो चाइना ने क्या किया, चीन ने एक तरफ अपने तरफ से युद्ध विराम की घोषणा कर दी और चीन की जो सेनाएं थी वो अपने वही जगह पर लौट गई जहां से वो आई थी, उसी जगह पर जहां पे वो हमले के वक्त थी। ये चाइना की फितरत है, आज भी आप देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। द चाइना डेंटेड एशियाज इमेज एट होम एंड अब्रॉड, इंडिया हैड टू अप्रोच द अमेरिकन एंड द ब्रिटिश फॉर मिलिट्री असिस्टेंस to tide over the crisis. The Soviet Union remained united during the conflict. It inducted a sense of national humiliation and at the same time strengthened a spirit of nationalism. Some of the top army commanders either resigned or were retired. Nehru's close associate and then defense minister V. Krishna Menon had to leave the cabinet. Nehru's own structure suffered as he was severely criticized for the native assessment of the Chinese intentions and the lack of military preparedness. For the first time, a no-confidence motion against the government was moved and debated in the Lok Sabha. Soon a day after, the conference lost some key by elections to Lok Sabha, the political mood of the country had begun to change. चीन और युद्ध में भारत हुआ और इससे भारत की जो इमेज थी अपने देश में और अब्रॉड वो बड़ी ही धूमिल हो गई। इसमें जो संकट से उबरने के लिए भारत ने अमेरिका से और ब्रिटेन से मिलिट्री की मदद मांगी, सैन्य मदद मांगी। यहाँ पे सोवियत संघ था इस घड़ी में, वो न भारत के पक्ष में आया
वो तटस्थ बना रहा, न्यूट्रल रहा इस कॉन्फ्लिक्ट में, और चीन युद्ध से भारतीय लोगों का जो स्वाभिमान था उसको बहुत चोट लगी थी, लेकिन साथ में ही इसने हमारी स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म है उसको भी काफ़ी मजबूती दी। हमारे राष्ट्रवाद की भावना है वो बड़ी बल मिला उसको। कुछ प्रमुख सैन्य कमांडर थे हमारी सेना में, उन्होंने इस्तीफा दिया या फिर वो छुट्टी पे चले गए। नेहरू के नज़दीकी थे और बड़े सहयोगी थे उस समय हमारे रक्षा मंत्री वी के कृष्ण मेनन, उन्होंने मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा और नेहरू की जो इमेज थी वो भी बहुत ही ज़्यादा धूमिल हो गई थी। यहाँ पे नेहरू जी का जो स्टेचर सफर्ड एज ही वॉज सेवरली क्रिटिसाइज्ड फॉर द नेटिव असेसमेंट ऑफ द चाइनीज इंटेंशंस एंड द लैक ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। तो यहाँ पे भी उनकी आलोचना हुई। पहली बार उनको सरकार के खिलाफ, उनकी सरकार के हैं जो अविश्वास प्रस्ताव उनके हाथ लगा, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वॉज मूव्ड एंड डिबेटेड इन द लोकसभा, और लोकसभा में उसकी बहस हुई। इसके तुरंत बाद जो कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण उपचुनाव में पटखनी खाई उन्होंने, और देश का राजनीतिक है वो दर्पण बदलने लगा। अब राजनीति के जो रूप थे वो अब मायने बदलने लगे। द साइनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड द अपोजिशन एज वेल। दिस एंड द ग्रोविंग रिफ्ट बिटवीन चाइना एंड सोवियत यूनियन क्रिएटेड इनरिकॉग्निजिबल डिफरेंसेज विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, द प्रो USSR फैक्शन रिमेंड विद इन द CPI एंड मूव्ड टूवर्ड्स क्लोजर टाइज विद द कांग्रेस। The other faction was for someone closer to China and was against any ties with the Congress. The party split in 1964 and the leaders of the latter faction formed Communist Party of China, Marxist, CPIM. In the make of China War, many leaders of what became CPIM were arrested for being pro-China. Ye Bharat ki हमेशा से विडंबना है डेमोक्रेसी में, ये हमेशा होती आई है कि क्या हुआ कि भारत चीन का जो संघर्ष था उसमें विपक्षी दल थे, इनके ऊपर भी इसका असर हुआ, और इस युद्ध में चीन और सोवियत संघ के बीच में मतभेद जो बढ़ने से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है जो माकपा, उसको बोलते हैं माकपा, CPI इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी उठापटक मची। सोवियत संघ का जो एक पक्ष चला गया, एक तो खेमा जो है सोवियत संघ में मिल गया USSR में, और उसके साथ वो बना रहा, और इसके साथ ही इसने कांग्रेस के साथ भी अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाई। लेकिन जो दूसरा था द अदर फ्रैक्शन वाज फॉर सम टाइम क्लोजर टू चाइना, वो चाइना के हित में चला गया और कांग्रेस के साथ ये नहीं गया। तो इस तरीके से यहाँ पे 1964 में बहुत सारे लीडर थे उनको पकड़ा गया और फिर जेल में डाल दिया गया। ये भारत की तकदीर है। भारतीय कम्युनिस्ट जो पार्टी थी 1964 में वो टूट गई। इस पार्टी के भीतर एक और खेमा था जो चीन का पक्षधर था, और मार्क्सवादी जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM माकपा वो उसने बनाई। चीन युद्ध के इस क्रम में माकपा के कई नेताओं को चीन का पक्ष लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। The war with China altered Indian leadership to the volatile situation in the Northeast region. Apart from being isolated and extremely underdeveloped, this region also presented India with the challenge of national integration and political unity. The process of its recognition began soon after the China war. Nagaland was granted statehood, Manipur and Tripura. The union territories were given the right to elect their own legislative assemblies. चीन के साथ एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में भारत के नेताओं को जो पूर्व में
अरुणाचल है वहाँ की स्थिति डावरडोल थी, इसके बारे में उनको पता लगा कि अरुणाचल प्रदेश के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया था और यह इलाका अलग थलग पड़ा हुआ था, यहाँ पे अत्यंत पिछड़ी अवस्था में था, अलग थलग पड़ा था, यहाँ पे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिहाज से भी यह इलाका बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। चीन के युद्ध के बाद इस इलाके में बदलाव लाने के लिए कोशिशें करने लगी गवर्नमेंट, यहाँ पे डेवलपमेंट की कोशिशें की गई। यहाँ पे एक राज्य है नागालैंड है, ये इस समय ही बना था। मणिपुर और त्रिपुरा यहाँ हालांकि केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन उन्हें विधानसभा के निर्वाचन का अधिकार नहीं मिला था अभी तक, और इस समय ये अधिकार दिया गया था। तो ये था हमारा भारत और चाइना के साथ शांति और संघर्ष का संबंध। यहाँ पे कुछ दिया गया है, इसको देख लीजिए। ये इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, हकीकत नाम से एक मूवी है। ये मूवी जो 1962 में जो युद्ध हुआ था भारत चाइना का, उसके ऊपर ये मूवी बनी हुई है। बस हकीकत इस मूवी का एक है इम्पोर्टेंट कि कौन सी मूवी है वो, और इसमें इसके हकीकत इसमें दिखाई गई, एक बार ये पढ़ लेना। तो ये 1964 में ये मूवी बनी थी, इसमें जो मेन रोल में चेतन आनंद इसके डायरेक्टर रहे हैं, धर्मेंद्र और ये प्रिया रवि ये काफ़ी इसमें एक्टर रहे हैं। तो ये चीज़ इसके बारे में आप जान लीजिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये जो दिया गया साइनो इंडियन रिलेशन सिंस 1962, इसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप, कोई इम्पोर्टेंट बात है। It took more than a decade for India and China to resume normal relations. It was in 1976 that full of diplomatic relations were restored between the two countries. Atal Bihari Vajpayee was the first top level leader. He was then external affairs minister to visit China in 1979. Later, Rajiv Gandhi became the first prime minister after Nehru to visit China. Since then, the emphasis is more on the trade relations between the two countries. In the book Contemporary World Politics, you have already read about these developments. भारत और चीन के बीच में संबंध है वो समझने होने में काफ़ी वर्ष लगे, लगभग 10 वर्ष लग गए, और 1976 में दोनों देशों के बीच में एक राजनीतिक संबंध दोबारा फिर बहाल किए गए। यहाँ पे चोटी के जो नेता था पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो उस समय विदेश मंत्री थे। 1979 में वो चीन के दौरे पे गए, नेहरू के बाद जो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने और वो वहाँ पे गए। इसके बाद चीन के साथ भारत के संबंधों को ज़्यादा जोर व्यापारिक मसलों पर ही रहा है। समकालीन विश्व राजनीति की जो किताब है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसमें आप ये बात अच्छे से और देखने को मिलेगी, वहाँ पे आप पढ़ेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ अखबार वगैरह की कटिंग दिखाई गई है उस समय की, ये देख लीजिए आप। दुनिया ये नेफ और लद्दाख क्षेत्र में एक साथ भीषण